उस दिन फ्राइडे सुबह था और उस वीक में काम कुछ ज़्यादा ही था, लेकिन पूरे वीक का स्ट्रेस बस दो वर्ड से ही फटाक से निकल गया, ट्रेन और घर। हाँ, उस दिन ट्रेन था घर जाने का। और एक बात, मेरा रूम पीजी के 5th फ्लोर में था और उससे भी खास बात, उधर कोई लिफ्ट नहीं था। ये इतना सारे लगेज एक एक करके नीचे लाने में जो फटा था ना, क्या ही बताओ। खैर, बात जब घर जाने का होता है तो एक्साइटमेंट में अपने आप ही काम हो जाता है। यही एक्साइटमेंट साथ में लेके निकल पड़ता हूँ स्टेशन की तरफ। तो चलिए ट्रिप शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों के साथ हो गया था कुछ सीन। टिकट हम लोग लिए तो थे जजमतपुर से, लेकिन ट्रैवल के कुछ दिन पहले से ही फ़ोन पे मैसेज आने लगा कि ट्रेन स्टार्ट होगा SMBT यानी कि श्री महाराजा विश्वेश्वरा टर्मिनस से। लेकिन कन्फ्यूजन तो अब यही हो गया कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ और चलूँ तो ट्रेन चलूँ कहाँ से। तो ये कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए और एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए जर्नी के अगले दिन हम लोग पहुँच जाते SMBT में, जिसके वीडियो इससे बाद ही आने वाले हैं। यशवंतपुर जहाँ बैंगलोर के नॉर्थ वेस्ट साइड में है, वहाँ SMBT पूरे सेंट्रल बैंगलोर में है, लेस कॉन्जेस्टेड जगह है और केयरपुरम के बड़े नज़दीक है। तो दुरंत तो केयरपुरम में रुके या ना रुके, ये टर्मिनल स्टेशन में उतर के आप फटाक से घर पहुँच सकते हो। लिफ्ट पे जावे ना काका? छवि शिल्प। हाँ, कुछ इस तरह ही एक्सप्रेशन निकल के आया था उस दिन। ये बिल्कुल भी एग्जैजरेटेड नहीं है। जिन लोगों को नहीं पता है, SMBT इंडिया का सबसे एडवांस्ड एयरपोर्ट फैसिलिटेड स्टेशन है जो फुल्ली एयर कंडीशन है। जनरल वेटिंग रूम बड़े प्रीमियम फीलिंग देता है, इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉशरूम भी, जो आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। और हाँ, ये स्टेशन अभी तक स्पिटिंग कोबरा से सेफ है। कोहली ले तो लिए थे, लेकिन वो इतना सारे लगेज देख के उससे भी ज़्यादा चार्ज करके भी वो लगेज ऊपर उठाने में जब ऑलमोस्ट फेल होने ही वाला था, तो भाई चला गया रेस्क्यू मिशन पे। बुकिंग तो था AC 2 टायर में, और पहुंच के ही छुप छुप के बहुत सारे सीट के नीचे एक एक करके लगेज डाल दिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बुकिंग करने के टाइम पे दोनों सीट ही खाली पड़ा था, तो मिला दोनों के लिए दो साइड पर। और हाँ, ये जो चार्जिंग पोर्ट है ये खराब था। ट्रेन छोड़ दिए स्टेशन और इसी टाइम में फाइनल लगा कि जा रहा हूँ घर। अभी के लिए बाय बाय बैंगलोर। हाँ, साइड लोअर जो सबसे बढ़िया सीट माना जाता है, वो दोपहर तक खाली ही था, तो बाहर का नज़ारा देखते देखते लंच करने का मज़ा उठाने में बिल्कुल भी गलती हम लोग नहीं किए। तो खाना हम लोग चिकन मिल पेंट्रीकर से बुक किया था, जिसमें दिया था राइस, दाल, एक कारी और दो पीस चिकन, जिसका प्राइस होना तो चाहिए 130, लेकिन वो लोग 150 चार्ज किए थे। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बहुत अच्छा था। एक बात इधर में कहना ज़रूरी है, ये मेरा पहला बार AC 2 टायर में ट्रैवल था और सेकेंड टाइम AC में। मेरा ट्रैवल का मतलब स्लीपर क्लास ही है, और उसके हिसाब से मैं एक खाली बॉटल, हैंड वॉश, ब्लैंकेट, ये सब SOS वाला सामान लेके ही ट्रेन में चढ़ा था। लेकिन ट्रेन स्टार्ट होने के कुछ देर बाद ही जब देखने को मिला कि एक नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, वो भी एक स्टाफ हर एक घंटे में साफ कर रहा है। हैंड वॉश मग ये सब स्टैंडर्ड है। एक कोच अटेंडेंट हर टाइम हर एक किसी का ख्याल रख रहा है। हर हाफ एन आवर में एक स्टाफ आके कूड़ा लेके जा रहा है, तब ये तो समझ आया कि लाइफ थोड़ा तो बदल गया है। लेकिन ये भी समझ आया, वही एक सीट का पैसों से हम 4 लोग घूमने जाते थे, और पूरे फैमिली के खुशी के लिए ये शायद एक सैक्रिफाइस का हिस्सा ही था। यही सब सोचते सोचते कब पूरे दिन ट्रेन में निकल गया पता ही नहीं चला। नेक्स्ट दिन सुबह स्टार्ट हुआ ब्रेड ऑमलेट के साथ, लेकिन ब्रेड और ऑमलेट अलग अलग से देने में वो ब्रेड ऑमलेट होता है या नहीं, ये मेरे को तो पता नहीं। किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलते चलते कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्रॉस करके सुबह के ऑलमोस्ट 10 बजे पहुंच जाते हैं उड़ीसा के चिल्का लेक में, जिसके व्यू ट्रेन से बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। लोग जब पूरी घूमने आते हैं तो चिल्का लेक में बोट राइडिंग टूर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी होता है, लेकिन हम लोगों के लिए ये लेक यही बताता है कि घर अभी बहुत ही पास आ गया है और थोड़ा सा सब्र करो,
जल्दी ही घर पहुंच जाओगे। सोचा कि लंच तो अभी ट्रेन का लास्ट मील ही होने वाला है, तो कुछ अच्छा ही ले लेता हूँ, तो इसलिए ले लिए बिरयानी। और हाँ, ये बहुत बड़ा गलती था, पहले तो इसको चिकन ग्रेवी और राइस कहना ही सही होगा। और बाहर जितना भी बारिश हो जाए, हम दोनों की कंसंट्रेशन हैंड शावर में ही रह गया। लेकिन हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। जब भी खड़गपुर में ट्रेन आया, जो वेस्ट बंगाल का पहला स्टॉप होता है, जेट स्प्रे का नाम लेते हुए चालू कर दिए वेस्ट बंगाल का स्ट्रीट फूड का सफ़र, जो था आलू चॉप और मुड़ी माखा। और बहुत ही ज़्यादा खुशी, ऑलमोस्ट 32 आवर्स SMBT हावड़ा एक्सप्रेस में ट्रैवल करने के बाद फाइनली रात को 9 बजे पहुंच जाते हो हावड़ा स्टेशन में, और स्टेशन से कैब लेके सीधा घर की तरफ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय।